तो आज हमारे पास आई है डिस्कवर 125 की गाड़ी है, आप देख सकते हो। और 100 सीसी में और 150 सीसी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जितने भी डिस्कवर के ऐसे मॉडल हैं इसमें प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो हमारा पीछे का स्विंग आर्म होता है उसका बूश इधर रहता है, तो ये पूरा गल चुका है। आप देख सकते हो कि ये होल हो चुका है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है ये गलने का? तो दोस्तों आपको इधर एक नीचे थोड़ा होल जैसा रखने का होता है, क्योंकि अंदर कहीं से भी पानी चला जाए तो ये बाहर आ सके आराम से। तो पानी के कारण भी ऐसा होता है। और इसमें क्या हुआ है, ये पूरी गाड़ी नई है आप देख सकते हो। तो इसमें पानी वाली बैटरी थी, तो किसी ने ज़्यादा पानी डाल दिया था। तो उसका पानी जब जब चार्ज होता था तो उसमें से बाहर निकल के ये सब जगह लगता था। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा गल चुका है। तो ये बहुत पतला रहता है तो ये जल्दी गलेगा, और पाइप को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो हम इसका वो रिपेयर करेंगे, इसको अभी पीछे का स्विंग आर्म खोल के इसको काट लेंगे। पहले काट के इसको ग्राइंडर करके दोस्तों आगे का काम स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल कंपनी के जैसा ही हम करेंगे, करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना। तो अभी मैं इसको ये खोल के सारा को निकल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये डिस्कवर का हमने कबाड़ी से लाए हुए इतना कटिंग हमको मिल गया था, और इसको भी वो लोग पिघलाने वाले थे, मैं टाइम पे नहीं पहुंचा होता तो। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये भी थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने पिघल दिया है, क्योंकि जो बीच में एक बोल्ट रहता है एक्सल का उसको काटने के चक्कर में, तो ये भी पिघल चुका है। और बुश हमने पहले से ही निकाल के ले लिया है अभी दोस्तों इसको। तो ये मेरे को इतना हिस्सा मिल गया था, तो मैं इसको अच्छे से काट के इधर से ग्राइंडर से दोनों साइड से और इसका उपयोग करूँगा वो गाड़ी में। तो अभी मैं इसको अच्छे से काट के निकाल लेता हूँ। मैंने इसको अलग करके ले लिया है देख सकते हो, और इसका जो आधा पाइप है इधर ही लगा है। तो हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर से घिसेंगे तो ये पाइप अलग हो जाएगा। और आप चाहो तो दोस्तों इधर से भी अंदर अंदर से काट के ले सकते हो, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है जिसका ये टूट गया है उसमें क्या हुआ है कि बहुत गल गया है, तो हमने सोचा कि इसको पूरा इधर से ही निकालेंगे। और आपका थोड़ा अंदर से इधर से गला हुआ है तो आप इधर से भी काट के ले सकते हो। और दोस्तों इस इधर से काटेंगे तो फिर अलाइनमेंट में भी थोड़ा तकलीफ़ होगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से अलग करके ले लेता हूँ। दोस्तों हमने सारा चीज़ खोल दिया है, पीछे का स्विंग आर्म जो और मस्गार्ड और फिल्टर बॉक्स सारा चीज़ अलग कर लिया है, और टेल पैनल साइड पैनल पेट्रोल टैंक वगैरह सब निकाल दिया है। और सिर्फ इसमें वायरिंग और इंजन है और कार्बेटर लगा हुआ है। तो हमको इधर से अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा इसका काम करने के लिए, इसीलिए मैंने सारा चीज़ खोला है, वरना नहीं खोलते तो ये वेल्डिंग अच्छे से नहीं होता दोस्तों, एक साइड से हो जाता। और आप खड़े खड़े वेल्डिंग करवाओगे तो ये एक साइड से ही करके दे देंगे और बाद में आपको दिक्कत करेगा। तो मैंने सोचा कि इसका काम करते हैं तो कंप्लीट ही करते हैं, ताकि बार बार परेशानी ना हो। तो हमने इसको खोल के ले लिया है, और इसका बूस आप देख सकते हो कि ये अलग हो चुका है इस तरीके से, इधर बीच में लगा हुआ था तो ये पूरा अलग हो चुका है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो बैटरी रखने के लिए इधर ये प्लेट बनी होती है, फिल्टर का बॉक्स होता है इसमें, तो ये भी जंग लग के पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये पूरा ऊपर नीचे हिलता है, बहुत पतला हो गया है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं और इसको ऐसे ही रखने देंगे। जी दोस्तों ये तो चल जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है तो इसका ही प्रॉब्लम हो गया था। और आप पाइप भी देख सकते हो कि अंदर एक गली हुई है, तो हम इस पे दूसरा पाइप का
टुकड़ा लेके इसके ऊपर वेल्डिंग करके, पूरा नहीं काटेंगे दोस्तों, काट देंगे पूरा तो चेसिस का मजबूती ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इधर से हम ग्राइंडर से अच्छे से काट के, फिर ग्राइंडर की जो रफिंग प्लेट होती है इसको घिसने के लिए वो मारेंगे ताकि पूरा जंग खत्म हो जाए और लोहा दिखने लगेगा, और बाद में हम अच्छे से वेल्डिंग करेंगे। तो अभी मैं इसमें अच्छे से ग्राइंडर से कट करके ले लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि हमने इसको टेम्पररी लगाया है, इसको अच्छे से काट के, और इधर भी हमने ग्राइंडर से घिस लिया है, और अभी हम इसमें वेल्डिंग करेंगे और उसके बाद इसको लगाएंगे इस तरीके से। और ये बूस्ट भी हमने नया डाला है, जब भी आप इसका काम करो तो ये बूस्ट नया डालो दोस्तों। तो अभी इसका अलाइनमेंट करने के लिए हमने स्विंग आर्म को लगा दिया है और दोनों शॉकर को ऐसे ही रख के लगाया है, अभी इसका नट टाइट नहीं किया है। और दोस्तों स्विंग आर्म में आप टायर जब भी फिट करो और इसका अलाइनमेंट लेने का, तो आपको ये जो चेन का सेटिंग है इसको या तो पूरा पीछे कर लेने का है या तो पूरा आगे कर लेने का है, क्योंकि बीच में इधर उधर रहेगा, इधर से इधर को उधर से आगे चला जाएगा, तो इसका अलाइनमेंट कभी भी दोस्तों आपको मिलेगा नहीं। और अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पीछे से इसका अलाइनमेंट कैसा है, अभी इसको वेल्डिंग नहीं किया है और ज़्यादा चलने के कारण दोस्तों अभी आप देख सकते हो इसका अलाइनमेंट कि वो चक्का ए साइड में बहुत चला गया है थोड़ा। तो इसको हम पूरा बीच में लाएंगे कंप्लीट, ताकि हमारा अलाइनमेंट अच्छे से बना रहे। और दोस्तों ये इधर से अलाइनमेंट में दिक्कत होती है, इस तरीके से इधर नहीं आता है, तो हमको एक इसके भी लगाना पड़ सकता है, जो ये प्लेट है इसको थोड़ा थोड़ा घिसोगे तो अलाइनमेंट में पूरा जीरो जीरो हो जाएगा। और दोस्तों कंपनी के जैसा अलाइनमेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मैं इसके बनाने के बाद भी बाद को चला के देखूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा अलाइनमेंट बनाए। कंपनी के जैसा तो दोस्तों नहीं हो सकता है पूरा पूरा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, और आप इसकी जगह एक प्लेट भी लगवा सकते हो इधर, कि ये पूरा तामझाम ना खोलना पड़े, तो ऊपर ऊपर से गैस वेल्डिंग वाले प्लेट लगा देंगे। और हमने भी गैस वेल्डिंग कराने का सोचा था, लेकिन इधर से मेरे से बहुत दूर है गैस वेल्डिंग वाले, तो उधर ले जाने में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इसके कारण मैंने अभी सोचा कि ये पावर वाला वेल्डिंग यूज कर लेते हैं। तो अभी हमने दोस्तों ये बूस्ट नया डाल दिया है पूरा, और ये बूस्ट को निकालने का और दूसरा भी वीडियो चाहिए निकालने का और चेंज कैसे करें, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा दोस्तों। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है और रात के समय वेल्डिंग करने में दिक्कत होती है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और गाड़ी को बाहर करके खड़ी कर देंगे, और बाद में कल देखते हैं कि इसका क्या करेंगे। तो दोस्तों हमने अच्छे से वेल्डिंग करके अभी ले लिया है और ग्राइंडर भी कर दिया है ऊपर में, जितना एक्स्ट्रा वेल्डिंग था उसको हटा दिया ताकि अच्छा दिखे। और बीच में क्या होता है कि वेल्डिंग करते तो इस प्रकार से कई कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, और ये भी टूट गया था तो इसको भी हमने वेल्डिंग किया है अभी। और ये आप धुआं देख रहे हो तो ये हुटो नहीं होने के कारण अभी निकल रहा है। तो अभी हमने पहले इधर टाके लगा के इसका अलाइनमेंट हमने चेक किया था, पहले ऐसे ही अलाइनमेंट चेक किया था, और अब धागा भी बंधा हुआ देख सकते हो। तो पहले हमने इसको ऐसे ही अलाइनमेंट चेक करके इसको घिस के थोड़ा इधर से घिसना पड़ा और इधर से हमको घिसना पड़ा, और अच्छे से बैठ गया था और अलाइनमेंट भी कंप्लीट आ गया था दोस्तों। तो फिर बाद में हमने दो टाँके लगाए, दोबारा अलाइनमेंट चेक किया तो कंप्लीट था, और उसके बाद हमने पक्का वेल्डिंग कर लिया है और अंदर की साइड भी हमने वेल्डिंग कर लिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ देख सकते हो। तो अंदर थोड़ा जगह कम होने के कारण हमने घिसा नहीं है,
और अंदर की साइड तो ऐसे ही चलता है। और आप इधर भी देख सकते हो कि पहले वाला बिल्डिंग कंपनी से आए, वो भी अंदर से घिसा हुआ नहीं है, देख सकते हो आप। और आपका एलिमेंट देखने के लिए दोस्तों, ये एक्सल आप देख रहे हैं, तो इसको ऐसे ही डालोगे तो ये कंप्लीट सीधा अंदर चला जाना चाहिए, देख सकते हो। और इसमें कोई ठोक पीट नहीं करनी चाहिए, तो आपका एलिमेंट सही रहेगा दोस्तों। हम जब भी आगे का स्टेयरिंग थ्रो कराने जाते हैं तो भी एक्सल का ही सेटिंग लेते हो, तो हमने एक्सल का भी सेटिंग लिया और पीछे चक्का का भी अलाइनमेंट चेक किया, तो कंप्लीट है दोस्तों। और अभी ये बारी आएगी इसके ऊपर पेंट करने की, तो हम जो ये सब जंग लग दोस्तों, पेंट करने से पहले हम ये सारा जंग हटा देंगे और इधर सारा पेंट करेंगे, जो जो जंग लगी हुई चीज़ें है इधर तक सारा पेंट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट हमने पेंट कर दिया है, इसको देख सकते हो बिल्कुल न्यू जैसा लग रहा है। और हमने मजगाट का वो अभी टेम्पर ही लगा के इसका एलिमेंट चेक किया है, तो अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट फिट करके इसका दिखाऊंगा कि कैसा काम किया है हमने। तो अभी मैं इसको कंप्लीट फिट करके ले लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमने जो बूस लगाया था तो ये कंप्लीट हो चुका है, और इस पे हमने पेंट भी कर दिया है अच्छे से, तो कोई कह नहीं सकता है कि इसका रिपेयरिंग किया हुआ है। ऐसे हमने रिपेयर किया है और ऊपर से ग्राइंडर कर दिया, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैं आपको एलिमेंट की बात करूँ तो मैंने इसको छुट्टे हाथ से भी चलाया है, हाथ छोड़ के, तो कंप्लीट चल रही है बाइक, 0-0 अलाइनमेंट है। और दोस्तों पीछे से आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि इसका अलाइनमेंट टेढ़ा है, लेकिन अलाइनमेंट टेढ़ा नहीं है, मजगात थोड़ा टेढ़ा है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि टेढ़ा है। लेकिन आप हेडलाइट जो पीछे की टेल लाइट होती है इसके सीध में देखोगे तो आपका अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, तो आप ऐसे चक्कर में ना रहो कि ये टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन इसका एलिमेंट 0-0 है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, तो उसमें भी आप नॉलेज ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।